हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है डी क्लटरिंग माई मेकअप। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि आज किट्टू के पापा उसे स्कूल छोड़ने गए हैं, तो आई एम अ लिटिल बिट रिलैक्स क्योंकि मुझे इतना हड़बड़ी में सारा काम नहीं निपटाना है। तो उसके पापा गए उसे स्कूल छोड़ने के लिए आज। टी शर्ट नीचे करो। टी शर्ट नीचे कर लेना, मैंने बोला आपने। बाय किट्टू। बाय। आज तो मौसम अच्छा, बाहर ही खिलाएगी मैडम इनको, देखना। बाय। ओके। लंच बॉक्स भी मैंने आज जल्दी जल्दी फटाफट रेडी करके दे दिया था किट्टू को। सो आज मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाना है, सिर्फ 10 मिनट की कहानी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है आज। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए एक कप चाय। चाय का कप लेके मैं आराम से थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद मैं अपना मैं फेवरेट सीरियल इंजॉय करूँगी। एक सीरियल देखती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, देखती हूँ मैं। तो एक्चुअली ऐसे नहीं कि मतलब उसमें फैमिली ड्रामा है या कुछ ऐसे, एक्चुअली उस सीरियल को मैं स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ। सो आई एम अ लिटिल बिट हैबिचुअल टू दैट। सो मैं वो सीरियल देखती हूँ और सुबह जैसे हॉटस्टार पे 6 बजे वो सीरियल आ जाता है, सो अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 के आसपास मैं वो एपिसोड देख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी और फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चाय बन गई, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आज का जो व्लॉग करने वाली हूँ वो है डी क्लटरिंग ऑफ माई मेकअप। तो जब से मैं नए वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मेरा मेकअप का जो भी सामान था ना वो एक बॉक्स में बंद होके अंदर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसमें से बिल्कुल भी मेकअप निकाला नहीं। बहुत दिन हो गए, इट्स बीन 1.5 months दैट आई हैव नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ मेकअप, लाइक एनी फाउंडेशन और आईलाइनर, मस्कारा और डार्क कलर्ड लिपस्टिक्स, कुछ भी नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपने मेकअप बॉक्स को ओपन करती हूँ और उसमें से जो भी सामान मेरे डेली रिक्वायरमेंट का होता है सो आई विल यूज़ दैट, क्योंकि अंदर पड़ा पड़ा मेकअप ना एक्सपायर ना हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन देख रहे हो ना आप मेरे वार्डरोब का, ये यहाँ पे छोटा सा वार्डरोब है, तो यहाँ पे मेरी मेकअप किट रखी हुई है। इसको मैं निकाल के आज इसमें जो जो सामान है मेरे पास में मेकअप का वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये किट मैंने निकाल ली है, अब इसको ओपन करते हैं। जब मैंने ये किट परचेज़ करी थी ना, इस किट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, तब सबके पास ऐसी किट होती थी। तो आप देखो ये कितना कितनी भरी हुई है ऊपर तक। ओ यार, इसमें तो ये मेरा लैक्मे का शीट मास्क भी रखा हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था और इसे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ। एक्सपायर तो नहीं हो गया? नहीं, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 24 की है, सो इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ अभी भी। तो ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लेते हैं जो जो मेरे यूज़ का है। इसमें मैंने कॉम्ब भी रख दिया है, अपने एक्स्ट्रा कॉम्ब। ये देखो यार, ये मेरा ब्लश ना मेरे बेटू ने ख़राब कर दिया। ये मेरे पास में रिवॉल्यूशन का ब्लश था, ये बेकार हो गया बिल्कुल ही ना। मतलब इसमें मेरे बेटू ने क्या किया, जो आई लाइनर होता है ना वो घुमा दिया। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को ना अपने बाबू से बचा के रखूँ, लेकिन नहीं हो पाता। सो इसमें लगभग ये मेरा सारा मेकअप है जो अभी तक मेरे पास में है, इतना ही है बस मेरे पास में। मैं चाहती हूँ बहुत सारा हो क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, तो करूँगी मैं धीरे धीरे और ज़्यादा अपना कलेक्शन बढ़ाऊँगी। तो ये है मेरे पास यहाँ पे इनसाइट का कंसीलर पैलेट, ये बहुत कम यूज़ होता है, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ पर है मेरा ये लिवॉन का हेयर सीरम, फिर यहाँ पे फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे,
और मेरे यहाँ पे आईब्रो पैलेट है स्विस ब्यूटी का, और यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रोज़ यूज़ होने वाले हैं, उनको निकाल लेती हूँ। HD इनसाइड फ्लॉलेस मैट फिनिश। अच्छा, मेरे पास में एक शुगर का भी था यार, वेयर इज़ इट, मुझे मिल नहीं रहा है वो काफ़ी टाइम से ना। ओके, ये जो स्विस ब्यूटी का पॉप आईलाइनर है ना, ये मेरा फेवरेट है। ये कलर मेरे ऊपर इतना सूट किया था जब मैंने अपना करवा चौथ का मेकअप किया था, सो तब से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईलाइनर बन चुका है। तो इसमें आपको शायद ब्लू ब्राउन कलर भी मिल जाएंगे, मैं उन्हें भी परचेज़ करूँगी। जिस दिन मैं परचेज़ कर लूँगी उस दिन मैं नायका हॉल ज़रूर बनाऊँगी, सो आई विल श्योरली लेट यू नो। एक ही लिपस्टिक है मेरे पास में, माइक लैम की। ये काफ़ी अंडररेटेड ब्रांड है, बट इसके जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी गुड। मतलब इसकी जो, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्सचर है ना, बहुत इतना क्रीमी मैट टेक्सचर है, और ये लगाने के बाद बिल्कुल भी ना आपको लिप्स पे फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया। तो दिस इज़ रियली बटरलीशियस बटर क्रीमी मैट लिपस्टिक। और मेरे पास में कुछ लिपस्टिक का कलेक्शन इतना ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपायर हो गई सी कुछ एक्सपायर हो गई थी, तो शायद मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर चुका है। अब मेरे पास में यही लिपस्टिक्स हैं जो बची हुई हैं। ये देखो यार, ये मेरा ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आई शेडो पैलेट है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। इसमें मेरे सारे फेवरेट कलर्स हैं। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है ग्रीन, तो ग्रीन आई शेडो लगा के ना बहुत प्यारा सा लुक आता है आईज़ पे। तो इसे आई थिंक मैंने एक ही बार यूज़ किया है, तब से ये पैक ही पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, सिंदूर भी रखा हुआ है मैंने इसमें। और ओ, ये मेरी माइक लैम की लिपस्टिक, कौन सा शेड है ये, वैम्प, वैम्प वाला शेड है क्या? इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। यस, ये वैम्प शेड है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ माइक लैम का, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है ये। ये देखो यार, ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने सारा सामान इस तरीके से निकाल के रखा है ना, और कुछ भी अरेंज नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि ये काम और ज़्यादा फैल गया अरेंज करने के बजाय। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं कुछ अलग अलग कंटेनर्स में ना इनको अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, और कंटेनर्स को लेबल करती हूँ। कंटेनर्स मैंने निकाले हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये वाला जो कंटेनर देख रहे हो ना, आप देख सकते हो ऐसे तीन कंटेनर्स हैं। देखो, एक लाइट ब्लू कलर में है, एक पिंक कलर में है, और एक लाइट पिंक कलर में है। तो ये वाले जो कंटेनर्स हैं ना, दीज आर स्टैकेबल कंटेनर्स, तो आप एक के ऊपर एक आराम से इनको रख सकते हो। और ये कंटेनर्स मैंने परचेज़ किए थे आइकिया से, और मुझे पड़े थे 149 रुपीज़ में। आई थिंक 149 रुपीज़ में ये वाले जो कंटेनर है ना, इट इज़ अ वेरी ग्रेट डील। तो इसमें स्पेस भी काफ़ी, आप देख सकते हो इतना स्पेस है, आप इसमें कोई भी सामान आराम से रख सकते हो। तो आई होप सो कि अगर मैं अलग अलग सेक्शन बनाऊंगी, कि एक सेक्शन लिपस्टिक्स का, एक सेक्शन हाइलाइटर्स और ब्लश का, तो आराम से इसमें सब असेंबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों कंटेनर्स मैंने ओपन करके रख लिए हैं। तो इस वाले में मैं लिपस्टिक अरेंज करती हूँ। तो जितनी भी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास में, एक एक करके मैं उनको रखती जाती हूँ इसमें। इस वाले में मैं फाउंडेशन रख देती हूँ, फाउंडेशन और हाइलाइटर्स। तो फाउंडेशन मेरे पास ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही है, बाकी मैं कंसीलर भी इसी में रख देती हूँ और प्राइमर भी। पहले मैं छोटे छोटे पैलेट्स रख देती हूँ, आई शेडो और आईब्रो पैलेट। आई थिंक आ जाना चाहिए वैसे इसमें, हाँ इसमें हो जाएगा असेंबल।
मेरे पास एक इस तरह की छोटी सी बास्केट है। ये बास्केट बहुत ज़्यादा स्टर्डी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो मैं बाकी अपने आई शेडो पैलेट इसमें अरेंज कर देती हूँ। अरेंज कर देते हैं। दोनों मेकअप फिक्सर मैं इसमें रख देती हूँ। सो लिप लाइनर का पूरा पैलेट है मेरे पास में, एक ये स्विस ब्यूटी का पूरा आई थिंक 12 लिप लाइनर्स का सेट है, तो इसमें सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको अपने फेवरेट लिप शेड्स के। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बो है और इसके अलावा आपको कुछ अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो इसे मैं इसी में रख रही हूँ। फाइनली जो भी मेरा मेकअप था ये पीछे इस तरह के तीन मैंने कंटेनर्स में रख दिया, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, आई शेडो एंड आईब्रो पैलेट, और इस वाले बास्केट में जो भी प्रोडक्ट मैं अभी रेगुलरली यूज़ करूँगी वो सब मैंने रखा है, जैसे सिंदूर हो गया, ब्लेंडर हो गया, ब्यूटी ब्लेंडर, ये फाउंडेशन हो गया, और इसके नीचे मैंने अपने रखा है लिप लाइनर पेंसिल का पूरा सेट। तो इस तरीके से ना ये थोड़ी सी स्पेस में अच्छे से आ गया एंड हैंस ये आज का जो काम था वो मेरा पूरा हो गया। अभी वेस्ट मैंने निकाला है, अब इसे सब मुझे फेंकना है बस। और जो भी सामान मुझे लगता है कि मेरे यूज़ का नहीं है मैंने इस तरीके के एक पाउच में रख दिया है, तो कभी मुझे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें से कुछ सामान निकालने की तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। अभी के लिए मैं इसको पैक करके एज इट इज़ रख रही हूँ। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का व्लॉग कंप्लीट करते हैं। जो भी मेरा मेकअप का डी क्लटरिंग क्लटरिंग था वो सब कुछ फिनिश हो चुका है, एवरीथिंग इज़ सो सॉर्टेड। सो अभी टाइम होने वाला है 12 बजे और 12:30 बजे तक किट्टू का स्कूल ख़त्म हो जाता है, सो आई हैव टू गो टू स्कूल अराउंड 12:15। तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मैं आप लोग के साथ में कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने अपने बेटू का रूम कैसे डेकोर किया है, क्या क्या उसमें अरेंजमेंट्स किए हैं, और जल्दी मैं आपको अपने बेबी के रूम का टूर भी कराऊंगी। सो या फॉर टुडेज ब्लॉग दैट्स इट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।